हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? देन स्क्रीन शो हो रही है? ओके. आप सभी का कोई डाउट है, हम क्लास को स्टार्ट करें? स्टार्ट कीजिए. ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. चलिए, आज का हमारा टॉपिक, सबको पता है कि आज का टॉपिक क्या है हमारा? हाँ जी, देखो मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लाइव प्रोसेस, जिसका कि पहला टॉपिक क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे फर्स्टली अगर मैं पूछूं कि लाइव प्रोसेस होता क्या है, एनीवन डिफाइन दिस वर्ड? कोई बताना चाहेगा लाइव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस जॉब. हाँ जी, मेंटेनेंस जॉब ऑफ बॉडी. हाँ, मेंटेनेंस जॉब ऑफ अ बॉडी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे सर्वाइव करने का, लाइफ को जीवन जीने का जो तरीका है, उसी को ही हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस. ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम बात करें न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन, हाँ जी, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारा एक फूड ऑफ कंपोनेंट होता है, जिसका हम सभी यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है, अच्छा, जो हमारे नीड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सिंपल सी लाइन में कोई डिफाइन करना चाहेगा? न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. हाँ जी, किसी भी काम को करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. प्लस में जो हमारी बॉडी डेली वर्क डन करती है, तो वहां पर काफी सारी सेल जो डैमेज हो जाती हैं, उनकी रिपेयरिंग में भी हेल्प होती है. किसके थ्रू? न्यूट्रिशन के थ्रू. यानी कि वहां पर भी कौन काम करता है? न्यूट्रिशन काम करता है. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एक मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि फूड है ना, जो हम डेली डाइट में यूज करते हैं. देन अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, तो इसके दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्या आप मेरे को बता सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? हाँ जी, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ. क्या? विच प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अच्छा, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं? ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज भी ऑटोट्रॉप होते हैं क्या? हाँ. किसने बोला कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं? ये एनसीईआरटी का बुक में पढ़े थे. अच्छा जी, देखिए, जहां तक ऐसा माना जाता है कि ओनली ओनली ग्रीन प्लांट, ओनली ग्रीन, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी आप जितने भी प्लांट हैं वो सारे ऑटोट्रोप है. ऑल प्लांट आर नॉट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओनली ग्रीन प्लांट, ओनली ग्रीन प्लांट ही ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं. और अगर मैं आपसे पूछूं नॉन ग्रीन प्लांट कौन से होते हैं, फिर
बता सकते हैं नॉन ग्रीन प्लांट? नॉन ग्रीन प्लांट्स फंगी वगैरह सुना है? हाँ, फंगी 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 इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। फंगी क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है आपका, ठीक है। अच्छा, ग्रीन प्लांट हम उनको कह रहे हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। हाँ, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच प्रेजेंट ऑन लीफ, है ना, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो ये वो न्यूट्रिशन होता है जो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड होते हैं, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो हेटरोट्रॉप्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, बता सकते हैं? हाँ जी, कैन यू डिफाइन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? देखिए, आप सभी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन है, ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बोल सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप नो बोल सकते हैं, देन मैं उसको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है क्लास ओनली 40 मिनट्स की होती है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं सारे कंसेप्ट को। क्लियर, यस और नो? करेक्ट। चलिए, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के आपको पार्ट्स पता है, फर्दर क्लासिफाइड कितने पार्ट्स में किया गया है? थ्री पार्ट्स में। ओके, वेरी गुड। यानी कि इनको फर्दर थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक और होलोजोइक। सिंपल सी लैंग्वेज में बताना है सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, बताइए कौन से ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स के तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं? Which obtain their food from dead and decaying parts of organic matter? हाँ जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड सब्सटेंस के ऊपर, डेड ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? एग्जाम्पल ये तो आपने यहाँ से देख के बताया, नॉर्मली अगर आपने डेली वेज में देखा हो वो एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, मशरूम, वेरी करेक्ट। मशरूम और फंगी भी इसी का ही एग्जांपल है। आपको पता है जैसे कि मान लो ब्रेड है, काफी दिन से रखी हुई है, क्या ब्रेड लिविंग है? नो, नॉन लिविंग है ना। तो इसके ऊपर जब फंगी लग जाती है, फंगी भी हमारा क्या है, ये हमारा सैप्रोफाइट ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पैरासिटिक की, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन फीचर प्लांट एंड हाँ जी, नहीं पता मैम। अमित, आप अपने एक सेकंड अमित आप अपने माइक को म्यूट करिए, क्योंकि आपके सराउंडिंग से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। हाँ जी, तो आप आंसर बताइए, कौन बता रहा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन? डोडर प्लांट। देखो, सैप्रोफाइट्स तो वो न्यूट्रिशन, देखो सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन के लिए डेड चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं सैप्रोफाइट्स। पैरासिटिक की बात करें तो ये वो होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन के लिए लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर? लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेस, यानी कि लेस जो होते हैं, हाँ
हाँ ये सारी चीजें हमारे एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन होता है जिस जिसकी बॉडी में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, जिनकी बॉडी में डाइजेशन होगा उसे हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो क्या ह्यूमन्स के अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है क्या, यस और नो? यस, यानी कि ओनली ह्यूमन बींग और ह्यूमन बींग प्लस में जो एनिमल्स हैं उन सब के अंदर क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? देन अगर हम बात करें कि आपका नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से आप क्या समझते हैं? चलिए इसको ना बहुत अच्छे से समझना है आप सभी। आप फटाफट से अपनी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ, ठीक है? कॉपी पेन निकल गए हैं क्या सबके? यस मैम, कॉपी पेन रेडी हैं सबके? हाँ, कॉपी पेन सभी अपने रेडी रखिए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्या। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम से आप लोग क्या समझते हैं सबसे पहले मेरे को ये बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि, डाइजेस्टिव सिस्टम, बताओ फटाफट। नहीं पता है तो नो बोल सकते हैं। नो? हाँ जी, नो या यस? डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस, वेरी गुड। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, राइट? अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल सेल, और नंबर ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू, और नंबर ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गेन। ऑर्गेन, नंबर ऑफ ऑर्गेन मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। सिस्टम, और नंबर ऑफ सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। बॉडी, ठीक है? ह्यूमन बॉडी। चलिए आपके कॉपी पेन निकल जाने चाहिए, चलो बनाते हैं अपना डायग्राम। देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लाइनों को समझना, जहां पर ना समझ आए वहीं पर मेरे को स्टॉप करके रोक देना कि मैम यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आया है, आप रिपीट कर दो, तो मैं उस लाइन को रिपीट कर दूंगी, बट जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी वो आपको आना चाहिए, क्लियर? अगर आप मेरे तरीके से करेंगे ना तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको टिप्स पे लर्न हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें, यस और नो? सभी रेडी हैं अपनी कॉपी पेन लेकर? यस यस मैम। सुधीर बेटा, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी है इलेक्ट्रिसिटी की तो आप अटेंड कर लेना। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको डेली यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आपका ये जो रिकॉर्डेड वीडियो डेली की अपलोड कर दी जाती है यूट्यूब पर, क्लास ओवर होने के 1 घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं, डेली की वीडियो आपको प्रोवाइड है, ठीक है? अच्छा, ये जो भी है ड्राइंग ना बनाए यहाँ पर। चलिए तो हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम स्टार्ट करते हैं। देखो धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप बनाना शुरू करते हैं अपने डायग्राम को। सभी रेडी है ना? यस और नो? यस कर दीजिए फटाफट। यस। ओके, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी नोज की पाइप। ये क्या है? हमारी नोज। साथ के साथ जितना मैं बना रही हूं उतना बनाते जाइए और नाम लिखते जाइए। ये क्या है? हमारा नोज, ठीक है?
देन इसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या होता है, माउथ की पाइप होती है। ये जो है क्या, माउथ, ठीक है ना। ये दो चीजें क्लियर हो गई, नोज और माउथ। यस यस ओके। तो अभी हमें नोज वाले पाइप का कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना, क्योंकि हम तो अभी माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें खाने से रिलेटेड बातें करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो माउथ वाली पाइप को आगे लेकर चलते हैं। ये जो माउथ की पाइप है, जब आप इसको नीचे लेकर जाएंगे, अच्छा जो ये फूड पाइप है ना, क्या है ये, फूड पाइप, फूड पाइप को ही हम, फूड पाइप को जो है, फूड पाइप को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ओसोफेगस, ओसोफेगस कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हाँ जी, इसके बाद यहां तक क्लियर है ना। यस Yes, इतना डायग्राम बन चुका है ना सबका, ठीक है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा, स्टमच। क्या आता है, स्टमच। स्टमच याद रखिए, स्टमच कैसा होता है, जे शेप ऑर्गन होता है। कैसा होता है, जे शेप ऑर्गन, कैसा होता है, जे शेप ऑर्गन। और ये एक तरीके से बैग जैसा होता है। ठीक है, नोट हो गया। यस ठीक है। देन इसके बाद अगर आपने ये नोट, इसका नाम भी लिख लो साथ साथ में, क्या नाम लिखना है इसका, स्टोमच। चलो स्टोमच नाम लिख लिया। देन इसके बाद ये जो स्टोमच है, स्टोमच के जस्ट साइड में यहां पर आपका क्या होता है, लीवर होता है। क्या होता है, लीवर, नाम लिख लो, लीवर। अच्छा लीवर में ना क्या होता है, लीवर ये जो है आपका यहां पर कनेक्टेड होता है किससे, ये जो स्टमच है इसके जस्ट नीचे, हाँ ये जो लीवर है, लीवर में एक जूस बनता है। कौन सा जूस बनता है, नाम बताइए। बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, वेरी गुड। कौन सा जूस बनता है, बाइल जूस बनता है, ठीक है। अब जो बाइल जूस है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा बाइल जूस कहां पर बनता है, तो आप बोलेंगे ये बनता है लीवर में। अगर आपसे बोला जाए कि जो वाइल जूस है ये स्टोर कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसे करके होता है और ये ना कुछ ऐसे बल्ब जैसा दिखाई देता है, यहाँ पर क्या होता है बताइए, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, बाइल डक्ट, बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर बताइए, इसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। क्लियर, क्या नाम होता है इसका, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, जहां पर कि ये वाइल जूस स्टोर होता है। अगर आपसे पूछे वाइल जूस बनता कहाँ पे है, तो आप कहेंगे लीवर में। अगर आपसे पूछे वाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, तब आप बोलेंगे गॉल ब्लैडर में। क्लियर है इतनी चीजें, यस या नो, सभी को क्लियर है तो यस बोल दीजिए फटाफट से, अगर नहीं क्लियर है तो नो, देन रिपीट करते हैं। सबको समझ आ गया अच्छे से, वीडियो कहां पर देखना है, देखिए वीडियो आपको देखना है YouTube पर, सर्च करिए स्टडी फॉर यू बाय मिस SB। एक सेकंड में टाइप कर देती हूँ, ये चैनल है, यहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं।
चलिए ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर का कॉन्सेप्ट खत्म। देन इसके बाद यहाँ पर याद रखेंगे क्या होती है, पैनक्रियाज होती है। क्या होती है? पैनक्रियाज होती है। और इस पैनक्रियाज का जो शेप है ना वो लीफ जैसा होता है। कैसा होता है इसका शेप? लीफ जैसा होता है ना। और कलर भी कैसा होता है? ग्रीन ही होता है इसका कलर भी। क्या होता है? ग्रीन होता है। यहां तक सबकी कॉपियों में नोट हो चुका है क्या, ताकि जब मैं बाद में पूछूं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। यस ठीक है। देन हम यहां तक आ चुके हैं हमारे। अब देखो ये चीजें बन गई हैं। क्या क्या बन चुकी हैं? हमारा ये लीवर बन चुका है, ये बन चुका है पैनक्रियास। ठीक है, अभी ओनली आप डायग्राम बना लो, इनके वर्किंग में अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है। क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है बाहर के साइड। ये जो बाहर पूरी दिख रही है ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसके अंदर में पूरी जो फिल होती है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ऑरेंज कलर से, ये कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो हमारा डायग्राम कंप्लीट है, चलो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। अब सबसे पहले हमारा जो खाना है वो जाता है कहाँ? माउथ में। ठीक है, माउथ में खाना जाएगा। देन जैसे ही खाना आपने माउथ में लिया, इसे हम कहते हैं इंजेशन, यानी कि खाना उठा के बस आपने माउथ में डालना, इसे क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। ठीक है, देन जब आप खाना अपने मुंह में डालते हैं तो अपने दांतों से काटना शुरू करते हैं खाने को, और आपके माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, नाम बता सकते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा में एक एंजाइम, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम बताइए। सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज, क्लियर, एमाइलेज होता है। ठीक है, जो आपका ये, अच्छा किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा एंजाइम क्या होता है, आप सभी को पता है एंजाइम क्या होता है? ओ मैम, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। हाँ, एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम वो होते हैं जो रिएक्शन को स्लो और फास्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस करती है? वो प्रोड्यूस करती है सलाइवा। सलाइवा प्रोड्यूस करती है। और सलाइवा हमारे खाने में किस तरीके से हेल्प करता है बताइए? स्टार्च को सिंपलर शुगर में ब्रेक। हाँ, स्टार्च को सिंपलर शुगर में बदलती है, प्लस में हमारा जो खाना है जो हमारे मुंह में है उसको स्लिपरी बनाने में हेल्प करती है। स्लिपरी बनाती है ताकि वो इजिली सलाउड हो सके, हम उसे इजिली निगल सके। क्लियर। देन जब आपका खाना नीचे जाता है गले से ओसोफेगस के थ्रू, और ये ओसोफेगस कैसा ऑर्गन है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें पैरास्टलिक मूवमेंट होती है। ये पैरास्टलिक मूवमेंट कैसी मूवमेंट है, कोई डिफाइन करना चाहेगा? The contraction and relaxation of the muscles of the gut. बिल्कुल, यानी कि इस ओसोफेगस की फैलने और सिकुड़ने की जो टेंडेंसी है, यानी कि कभी ज्यादा फैल जाता है कभी कम। देखा है जब हम खाना खाते हैं, जब हम जल्दी में होते हैं कहीं, तो हम फटाफट से बहुत बड़े बड़े टुकड़े खा लेते हैं, वो हमारे गले से चले जाते हैं। और जब हम आराम से रिलैक्स होकर खाना खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं, तब हमारी ये जो ओसोफेगस है बिल्कुल जैसी है वैसे ही रहती है। यानी कि जो इसकी जो मूवमेंट है फैलने और सिकुड़ने की, उसे को हम कहते हैं पैरास्टलिक मोमेंट। देन ये जो है यहाँ पर एक फिंटर जैसे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? फिंटर। फिंटर का मतलब होता है क्या? दरवाजे जैसा होता है ये। क्या होता है ये?
फिंटर, ये बुक वगैरह में नहीं बताया जाता आपको, ये जो फिंटर है ये दरवाजे जैसा होता है, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका खाना ना यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जैसे आपका खाना यहाँ होता है जब तक आपका खाना यहाँ पर है तब तक आपके स्टमच में क्या रिलीज होता है बताइए? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। और ये अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है, फटाफट से इसके दो पॉइंट बताइए क्या होगा? प्रोटीन डाइजेशन में प्लस में, और दूसरा प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट और क्या है? किल्स द बैक्टीरिया, और हाँ बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और प्लस में जो आपका गैस्ट्रिक एंजाइम है, गैस्ट्रिक एंजाइम ये पता है कब वर्क करते हैं? जब आपका खाना एसिटिक होता है, यानी कि ओनली एसिटिक होगा तो ही गैस्ट्रिक एंजाइम वर्क करेंगे, अदरवाइज ये एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी ये HCl जो है काम करता है, पहली चीज ये खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरी चीज जो हम खाना खाते टाइम इतने जर्म्स और बैक्टीरिया खा लेते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है, तीसरा गैस्ट्रिक एंजाइम इजिली वर्क कर सके इसके लिए काम करता है, ठीक है। ये चीजें हो गई, देन जब आपका यहाँ पे HCl रिलीज हो जाता है उसके बाद ये जो खाना है वो कहाँ आ जाता है? आपके स्टमच में पहुंच जाता है। देन जब ये खाना स्टमच में जाता है प्रॉपरली इस एसिड से मिक्स हो जाता है, खाना कैसा हो जाता है? एसिटिक। खाना कैसा हो जाता है? एसिटिक हो जाता है। और जब ये खाना यहाँ पर भी वैसे ही फिल्टर लगे होते हैं जैसे ऊपर थे, जब यहाँ पर पूरी तरीके से खाने में एसिड मिक्स हो जाता है फिर उसके बाद ये खाना कहाँ आना शुरू होता है? नीचे की साइड आना शुरू होता है। और उस टाइम पे जब ये खाना नीचे आता है तो इस साइड से आपका प्रोड्यूस होता है क्या? बाइल जूस। और पैनक्रियास कौन सा जूस प्रोड्यूस करती है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है। याद रखना बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों ही जूस बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी कि जो हमारे अभी खाने में HCl मिलके आया ना उसको न्यूट्रल करने का काम करेंगे दोनों। क्लियर है ये लाइनें? यस और नो? ठीक है। फिर जब आपका खाना यहां से नीचे आ रहा होता है कैसा बन गया है? बेसिक। इसके बाद आपका खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी? इंटेस्टाइनल जो सेक्रेट करता है। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? खाने में से जो हमने खाना खाया है उस खाने में से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, जो भी जितनी हमारी चीजें हैं उन सारी चीजों को एब्सॉर्ब कर लेता है अपने पास और बॉडी की अदर पार्ट्स में भेज देता है जहां पर इनकी जरूरत होती है। क्लियर? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन खाने में से जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उन सबको अपने पास एब्सॉर्ब करके रख लेता है, ठीक है। क्लियर? क्या चीज एब्सॉर्ब करते हैं? हाँ जी क्या चीज से एब्सॉर्ब करते हैं? कैसे एब्सॉर्ब करते हैं? यही बोला है कि आपने कैसे एब्सॉर्ब करते हैं? देखो जो हमारी ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरीके से ऐसी कॉइल जैसी होती है ना, जैसे खाना इनके अंदर जाता है तो इनकी जो साइड की बाउल होती है ना, बाउंड्री जैसी होती है, इसकी जो दीवार होती है इस पाइप की, वो उस खाने में से ओनली प्रोटीन्स वगैरह इन सबको ही अपने पास एब्सॉर्ब करके रख लेती है। और बाकी और जो अनडाइजेस्ट फूड, देखो जब
स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड। हाँ, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अनडाइजेस्ट फूड में से क्या करती है, जितना भी वाटर होता है ना, वाटर फॉर्म में जो भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ओनली लिक्विड फॉर्म में और वाटर, उन सबको अपने पास एब्सॉर्ब कर लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को एनएस के थ्रू रिमूव कर देता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में से एक्चुअली में कौन छोटा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है कितनी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ अप्रोक्स 1.5 मीटर होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 10.49, अप्रोक्स हम 11 कह सकते हैं, 11 मीटर होती है। ठीक है। अच्छा, क्या आप सभी को ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया? यस यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम क्या काम करने का काम करता है? प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और इसमें से जो भी क्वेश्चन थे वो ऑल ओवर सारे यहीं से थे कि इसमें पेरास्टोलिक मूवमेंट किसमें प्रेजेंट होती है, वो कौन सा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लिक्विड फॉर्म में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है या फिर वाटर एब्जॉर्ब करता है, कौन सा ऑर्गन है, नाम बताइए। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा ऑर्गन है जो लिक्विड फॉर्म में प्रोटीन या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, करेक्ट। और वो कौन सा एंजाइम है जो ओनली एसेटिक, जब खाना एसेटिक होगा तो ही वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम या गैस्ट्रिक, बाइल गैस्ट्रिक एंजाइम, ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम है जो कि स्टमच में आपका प्रेजेंट होता है जब खाना, देखो जो आपका गैस्ट्रिक एंजाइम है वो क्या करता है, स्टमच में रिलीज होता है और जब आपका खाना एसिटिक होगा ना तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू ही तो गैस्ट्रिक एंजाइम रिलीज किए जाते हैं ना। ठीक है, ओके। क्या आपको यहाँ पे टीत से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर है? टीत कितने टाइप के होते हैं? टेम्पररी, परमानेंट। परमानेंट वाले में कितने टाइप के होते हैं? 32। आपने ये सुना है इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। अच्छा, जो हमारे दांत टीथ के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है सबसे हार्ड सब्सटेंस हमारे दांत का, वो क्या है? एनामेल। एनामेल, क्लियर। देन क्या कोई और क्वेश्चन? अच्छा हाँ, एक चीज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना नहीं खाते, क्या उनके स्टमच में भी HCl वगैरह रिलीज होता होगा? HCl, बाइल जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस, ये सारी चीजें होता होगा। देखो, उनके स्टमच में ओनली एक ही एसिड रिलीज होता है, वो है रेनिन एसिड।
ठीक है, कौन सा एसिड है? रेनिन एसिड है या रेनिन एंजाइम है? एंजाइम है ये, रेनिन एंजाइम, जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है. किसके? मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है. क्लियर? बिल्ली क्या होता है? बिल्ली वाइल जूस ये है. वाइल जूस नहीं, बिल्ली. जैसे कि फिंगर लेग एक्सटेंशन होता है. कहीं ये वो तो नहीं है कि जो आपके ये क्या कहते हैं, जो ये अभी जो मैंने ये बताया था, ये जो थे इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वही क्या? हाँ वही है क्या? यस मैम. अच्छा ठीक है. और कोई किसी का कोई डाउट है क्या इससे रिलेटेड? ओनली 3 मिनट्स बचे हैं हमारी क्लास को ओवर होने में. पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, उसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है? पेनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है? वैसे आई थिंक यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है आपका इसके अंदर. बुक में तो है हम लोग का. बुक में है? कौन सी बुक यूज करते हो आप? एनसीईआरटी? यस. अच्छा तो कौन सा एंजाइम गिवन है? ट्रिप्सिन है और एक लिपास है. ट्रिप्सिन एंजाइम है और दूसरा? ट्रिप्सिन. हाँ पेप्सिन एंजाइम मैंने आपको अभी बताया था ना जस्ट थोड़ी देर पहले. पेप्सिन नहीं ट्रिप्सिन और लिपास. ट्रिप्सिन TRYPSIN. पता नहीं मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट लेकिन जो पेप्सिन एंजाइम है वो ज्यादातर आपका पूछा जाता है. पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है मेनली. क्लियर? देखो आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, आप लोग भी क्या उससे तैयारी कर रहे हैं जो एग्जाम नोट अभी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बनाया गया है? हम लोग तो एनसीईआरटी एग्जाम के लिए ओनली एनसीईआरटी बुक. यस. ओके ठीक है. चलिए हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं. ओनली 1 मिनट बचा है आपकी क्लास ओवर होने में. और जो कल का आपका टॉपिक होगा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर करा है, कल हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. फोटोलाइसिस क्या होता है? क्या होता है फोटोलाइसिस? एक सेकंड आप रिपीट करेंगे. फोटोलाइसिस ये जरा मैं आपको कल बताऊं, क्योंकि हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है, क्योंकि ओनली क्लास 40 मिनट ही चल सकती है. ठीक है? यस. ओके